बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि हमने अपवर्क पे फ्रीलांसर पे जाके किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड करने हैं, किस तरह से क्लाइंट कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तीन बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनमें से सबसे पहले तो अपवर्क है। अपवर्क पे सबसे पहले आप प्रोफाइल अपनी क्रिएट करेंगे, अपनी स्किल लारावेल से रिलेटेड वहाँ पोस्ट करेंगे और फिर क्लाइंट को अपने प्रोजेक्ट बिड करेंगे, अपनी सर्विसेज बिड करेंगे। और ये किस तरह से करेंगे, आपने गूगल पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना है अपवर्क एंड यू विल गोना सी अ वेबसाइट। आप अपवर्क पे जाके अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, आपका जो भी लॉगिन है, आपका ईमेल है, उसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो आप अपना ईमेल यूज़ करें, जो भी आपके पास जीमेल का है, हॉटमेल का है, वो आप यूज़ करेंगे। तो साइन अप पे जाके आप अपना ईमेल डालें, कोई भी, मैं एक रैंडम ईमेल डाल रहा हूँ। तो इसको आप इंटर करेंगे, कंटिन्यू विद ईमेल करें, वो आपसे नाम पूछेगा, आप अपना कंप्लीट नाम डालें बजाय इसके कि आप अपना डमी नेम डालें। आपका जो CNIC पे जो आपका वैलिड नाम है वो आप अपना नाम यहाँ पे पोस्ट करें, क्योंकि अपवर्क बाद में भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो इसलिए आप अपना नाम जो है वो ओरिजिनल नाम डालें, अपना पासवर्ड अपना सेट करें, अपनी रीजन बताएं। यहाँ पे ये बता रहा है कि आई वांट टू हायर और यू वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर, तो आप सेलेक्ट करें आई वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर, बिकॉज आपने यहाँ पे काम करना है बजाय इसके कि आपने दूसरे लोग को हायर करना है। डिपेंड्स, तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आई वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर चूज करें। एंड उसके बाद आप इसकी टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करके आप अपना यूजर नेम सेलेक्ट करेंगे, कोई भी आप यूजर नेम रैंडम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो अवेलेबल यूजर नेम होगा यूनिक, वो आप अपना सेट कर सकते हैं। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट जो है क्रिएट करने की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर अपनी स्किल स्पेसिफाई करेंगे कि आप कि मैं लारावेल अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, मेरा जो मेरी डिग्री क्या है, मैंने लारावेल के अंदर क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। मुझे अभी एक ईमेल आ गई है इस पर जो कि वेरिफिकेशन की ईमेल है, उस ईमेल को क्लिक करके हम अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेंगे। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट, नाउ फिल आउट आवर एप्लीकेशन। अब अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम माय प्रोफाइल, हम इसको अपनी, अगर तो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बनी है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हैं, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, वहां से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युअली फिल करना चाहते हैं तो फिल आउट मैन्युअली पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे कि हम ऑफर क्या करने जा रहे हैं। हम अकाउंटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, डेटा एंट्री की करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर हम करने क्या चाह रहे हैं। तो बेसिकली हम जो है वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हमारा जो ताल्लुक है वो लारावेल जो है वो कोर्ली वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो हम वेब डेवलपमेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी सब कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आपकी जो एक्सपर्टीज हैं वो किस किस चीज़ में है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं आ जाती, ई कॉमर्स डेवलपमेंट आ जाती है, और इसके अंदर डेस्कटॉप नहीं है। अगर आपकी स्पेशलिटी है तो आप वो जो सर्विसेज हैं उनको चेकबॉक्स चेक कर देंगे। CMS डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, उसमें डेटाबेस डेवलपमेंट भी होगी। तो इस तरह से आप जो रेलिवेंट कैटेगरीज हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वो ऑप्शन पे है व्हाट स्किल्स डू यू ऑफर क्लाइंट्स के, मतलब आपके पास कौन कौन सी स्किल हैं जो आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आप अपनी स्किल्स टाइप करेंगे, आपको सजेशन दे देगा, आप एंटर करते जाएंगे जस्ट। तो जो इसमें डिफरेंट हमारी स्किल्स हैं, जैसे HTML है, HTML5 है, CSS है, डेटाबेस, MySQL आप लिखेंगे यहाँ पे, MySQL, डिफरेंट सर्विसेज यहाँ टाइप करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। jQuery है, तो जितनी भी स्किल हैं आप यहाँ पे लिस्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, आप बेसिकली प्रोफाइल क्रिएट करें कि मैं अपना, इसके बाद
आप बताएंगे कि आपका लेवल क्या, एंट्री लेवल है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है लारावेल का 3 से 4 साल का, तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 साल से ज़्यादा, तो एक्सपर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर स्किल। तो ऐसा नहीं है कि एंट्री लेवल पे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। हर तरह के लेवल पे डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू देयर बजट। तो आप अपनी स्किल्स के मुताबिक अपना लेवल सेलेक्ट करेंगे और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आप अपनी एजुकेशन इसमें इंटर करेंगे, और अगर आपकी एजुकेशन है तो आप इसमें इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कंपल्सरी है ये, आपको एटलीस्ट एक तो प्रोवाइड करनी है। तो आपकी जो भी लास्ट डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ पे मैं अपना यूनिवर्सिटी लिखूंगा। आप अपनी यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे, मैं भी रैंडम यूनिवर्सिटी टाइप कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेमेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी टाइप कर दी। ठीक है, यहाँ मैं अपना कोर्स टाइप करूँगा। आप अपनी डिग्री, किस में आपने अपनी डिग्री की है वो लिखेंगे। तो इस तरह से आप अपनी डिग्री की प्रोफाइल देंगे। तो आप बताएंगे कि मेरी डिग्री का लेवल क्या है, ऑप्शनल है, अटेंड डेट बताएंगे और डिफरेंट ऑप्शन बताएंगे, और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो क्रिएट, एजुकेशन की प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आपने इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस बताना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, बेहतर है आप अपनी प्रोफाइल के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिल करें, ताकि आपकी प्रोफाइल की जो कंप्लीशन रेट है वो भी आपका कंप्लीट आए, और कस्टमर को आपकी पूरी एक्सपर्टीज के बारे में जानने का मौका मिल सके। अब आप अपना पर और रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना रेट ज़्यादा ना रखें, लो रखें, ताकि क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं, तो आप पहले हम छोटे छोटे काम से स्टार्ट करें, उसके बाद आपका जब वर्किंग आवर्स बढ़ जाएँ, आपकी फीडबैक बढ़ जाए, तो आप किसी बड़े क्लाइंट, बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बिट करें। तो ये ग्रेजुअली होता है, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा। आप अपना यहाँ पे अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे कि आप है क्या, आप तो लारावेल डेवलपर कर सकते हैं, या लारावेल फुल स्टैक डेवलपर। अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, इस तरह हम डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि व्हाट एक्सपर्टीज डू यू हैव। मैंने भी डमी डाल ली, क्योंकि मैंने एक डमी प्रोफाइल बनाई थी, तो इट्स सेइंग इट्स टू शॉर्ट। तो आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आई हैव दिस 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 दिस, आई कैन डू दिस, और प्रिसाइज सा आप अपना इंट्रो बताएंगे। भी मैं एक डमी सा यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे डमी बिल्कुल पोस्ट नहीं करना, आपने टाइप करके अपनी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालनी है। ये वैलिडेट होता है, अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो इनको प्लीज फिक्स एरर। ओके, इसके अंदर मैंने चीज़ें लगा दी हैं कुछ। तो इस तरह से आप अपनी चीज़ें इंफॉर्मेशन दे देंगे और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप जब आप ब्राउज प्रोजेक्ट्स करेंगे, आप अपवर्क में आएंगे और आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स ब्राउज करेंगे, जब तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे होंगे कस्टमर के पोस्ट हुए हुए। आप देखें यहाँ पे जैसे डिस्कवर टेम्पलेट टू क्रिएट 0 लारावेल ऑप्टिक सिस्टम। अब ये एक कस्टमर ने अपना एक प्रोजेक्ट फिट किया हुआ है, प्रोजेक्ट पोस्ट किया हुआ है, आप इस पे क्लिक करके इसके अगेंस्ट अपनी प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। आप सबमिट सबमिट अ प्रपोजल पे क्लिक करेंगे और अपना कवर लेटर लिखेंगे और अपना प्रोजेक्ट बिल्ड कर देंगे। इस वक्त इस कस्टमर को 5 से 10 प्रपोजल आ चुके हैं, और इसने एक दिन पहले इसको व्यू किया। एक बंदे का इसने इंटरव्यू चल रहा है, 5 को इसने इन्वाइट भेजी थी और अनआंसर्ड इन्वाइट्स 3 हैं। तो ये इसको ज़रूरत थी एक लारावेल डेवलपर की। तो इसकी प्रोफाइल अगर देखें तो इसकी प्रोफाइल जो है ये ऑलरेडी पेइंग क्लाइंट है, इसकी पेमेंट वेरीफाइड है, तो ये एक वेरीफाइड कस्टमर है। तो अगर आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे बिड करें, आप उसकी पेमेंट मेथड चेक कर लें, वो वेरीफाइड है, कस्टमर हिस्ट्री चेक करें, और कस्टमर ने कितनी देर होगी प्रोजेक्ट को पोस्ट किए हुए, अगर तो रिसेंटली पोस्ट किया है और ही इज इंटरव्यूइंग, या अभी कितने लोगों ने प्रोजेक्ट बिड किया है, और कस्टमर का रिस्पॉन्स देखते हुए आप अपनी प्रोजेक्ट की बिड कर सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट
प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनके अगेंस्ट आप बिड करेंगे, और कोशिश करेंगे स्टार्ट में पहले छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ें, जैसे फिक्स मॉडिफिकेशन, ई कॉमर्स, ओवर ई कॉमर्स, इस तरह के छोटे छोटे जो टास्क हैं पहले उनसे स्टार्ट करें, जो बिगिनर लेवल है, जहाँ पे कस्टमर ने आपको लिखा हुआ है कि मुझे एंट्री लेवल का एक चाहिए, फ्रीलांसर या डेवलपर चाहिए, कोशिश करें कि उनसे स्टार्ट करें और ग्रेजुअली हम फिर बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आपका जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, आपकी प्रोफाइल जो है वो बेटर होती जाएगी, तो आप बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएं। इस पे प्रोजेक्ट मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें हर तरह का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा जिसके अंदर छोटे छोटे फिक्सेस आपको करने होंगे, किसी का यूआई का फिक्स होगा, किसी का कोई आपको जस्ट स्ट्रक्चर बना के देना होगा, या कोई छोटी छोटी अमेंडमेंट होगी फील्ड की, और आपको यहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन वो वक्त के साथ साथ आप बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, पहले आप छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करें ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो बिल्ड होती जाए। इसी तरह से हमारे पास एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, उसका नाम फ्रीलांसर है, freelancer.com पे भी आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, और ये मैंने इसी यूज़र के साथ भी एक प्रोफाइल क्रिएट की है, और इसके अंदर भी आप अगर ब्राउज करेंगे तो आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, अभी मैंने ये नई प्रोफाइल क्रिएट की थी रिसेंटली, तो अभी क्रिएट इसमें कंपटीशन कुछ भी नहीं है, तो इसके अंदर भी सेम वे है कि आप इसके अंदर आपको लारावेल आप सर्च करेंगे तो आप सबसे पहले तो कैटेगरी बताएंगे आप करते क्या हैं, डिफरेंट आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद आप प्रोजेक्ट्स पे बिड कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स जो है गेन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर आप अपर की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको कुछ जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो फ्री मिलेंगे, और बेहतर है कि आप इसकी मेंबरशिप खरीद लें, आई थिंक इसकी $14.15 में इसकी पर मंथ मेंबरशिप मिलती है, जिसके अंदर आपको कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, आप प्रोफाइल भी जो पब्लिक के लिए अवेलेबल होती है और ये रीन्यू होती रहती है, तो बेटर है कि आप अपने प्रोफाइल जो है उसकी मेंबरशिप परचेज कर लें, तो यू विल गोना गेट योर इन्वेस्टमेंट बैक व्हेन यू विल गेट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, इट्स जस्ट $15 अ मंथ, तो वो आप ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको डिफरेंट जो मिलेंगे, तीसरा जो प्लेटफॉर्म है वो हमारे पास एक फाइवर भी है, जहाँ पे आप बना सकते हैं अपनी गिग्स, बना के अपने छोटे छोटे टास्क जो हैं छोटे छोटे आप अपनी गिग्स बना सकते हैं, कि जैसे मैं आपकी यूआई में फ्लॉ फिक्स कर सकता हूँ, मैं आपकी लारावेल के अंदर मॉडल्स बना सकता हूँ, व्यूज क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं आपको फॉल फिक्स करके दे सकता हूँ, इस तरह के डिफरेंट आप गिग्स जो है वो क्रिएट करके अपनी गिग्स बना सकते हैं। मैं $5 में आपको फॉल फिक्स करके दे सकता हूँ, जैसे ये अगर हम लारावेल सर्च करें तो यहाँ डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट गिग्स बनाई हुई हैं। अब इसने गिग बनाई हुई है कि आई विल फिक्स और डेवलप लारावेल कोऑर्डिनेटर एंड पीएचपी वेबसाइट फॉर यू इन दिस मच अमाउंट, आई विल फिक्स योर कोऑर्डिनेटर लारावेल, इस तरह से आप अपनी जो है गिग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट कस्टमर जो है फिर आपको फेच करेंगे, और ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है पीपल पर, और सेम वे है, वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और आपको कुछ कॉन्टेक्ट फ्री मिलेंगे, उसमें भी आपको मेंबरशिप परचेज करनी पड़ेगी, आप मेंबरशिप परचेज कर लें तो बेटर है, आप अकाउंट क्रिएट करें और प्रोजेक्ट बिड करें और स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज प्रोजेक्ट्स। तो ये मेरी पुरानी प्रोफाइल बनी हुई थी। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म को प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपवर्क से भी ले सकते हैं, आपको पीपल पर और से भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिमोट जॉब करनी है तो एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमें काफ़ी सारी रिमोट जॉब जो है हाईली पेड और लॉन्ग टर्म की फुल टाइम जॉब्स मिल सकती हैं, और वह स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो के जॉब के सेक्शन में आप जाएंगे, मैं सॉरी यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टैक ओवरफ्लो जॉब्स, यहाँ पे हमें मिलेंगे कि बहुत से कस्टमर जो हैं वो पेड रिमोट जॉब्स के लिए देखते होते हैं कि हमें रिमोटली काम करने के लिए कोई प्रोग्रामर मिल जाए, कोई फ्रीलांसर मिल जाए, तो आप यहाँ से भी रिमोट जॉब जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लारावेल सर्च करता हूँ लारावेल, तो आप लारावेल जब देखेंगे तो एनीवेयर इन द कंट्री आप पीएचपी लारावेल जो है यहाँ आप लिखा आएगा कि कौन सी जॉब जो है वो रिमोट है और कौन सी ऑफिस पे, तो आप यहाँ पे आके रिमोट जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पे रिमोट जॉब्स ही होती हैं जिनके आप अप्लाई करके, जैसे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ नो लोकेशन आ रहा है, तो ये रिमोट जॉब है, ये लिखा आ रहा है कि ये रिमोट जॉब है, हमें बहुत सी जॉब मिलेंगी जो रिमोट जॉब है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आप
वो ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यहाँ से भी आप एक गेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज हैं कि किस तरह से आप अपने लारावेल की जो स्किल गेन करने के बाद किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से अपनी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को पॉलिश करते हुए अपनी अर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें से अपवर्क, पीपल पर और फ्रीलांसर, फाइवर और स्टैक और फ्लो के थ्रू भी आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो इन पे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और उसके बाद वेट करते रहेंगे। ग्रेजुअली ग्रेजुअली आपको स्लोली बट ग्रेजुअली आप छोटे प्रोजेक्ट्स शुरू करें और बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे।